हम लोग दोस्तों उस जगह पर पहुंचने वाले हैं बहुत ही नज़दीक, बट रास्ते में एक छोटा सा बहुत ही दिव्य और निर्गम चुहाड़ पड़ता है। चुहाड़ मतलब बोले तो बिना बोर किया हुआ पानी जो निकलता है, तो हम लोग अपने गांव बोलचाल भाषा में बोलते हैं उसको चुहाड़। तो सोचा कि वहां थोड़ा पानी पी लेते हैं और देख सकते हैं जंगलों में तो ये तो छोटे मोटे ऐसे खूबसूरत दृश्य तो दिखते रहते हैं। देखिए पानी की कलकल की आवाज़, और देखिए जंगल की सुरक्षा के लिए यहाँ पर भी कांटों से बैरिकेडिंग की गई है, तो इसको हम लोग फांद कर आगे बढ़ेंगे। ये एकदम पानी एकदम ये पानी एकदम शुद्ध देख रहे हैं ना, एकदम एकदम पीने योग्य पानी है, जड़ी बूटी युक्त। और हम यहाँ से इस पत्थर पर ऐसे पैर रख कर इसको डाकने की कोशिश कर रहे हैं। फाइनली वी हैव क्रॉस्ड। मस्त लग रहा है जंगल में आकर, वास्तव में बहुत सुकून मिलता है दोस्तों। जो फील करेगा जो जंगलों को, जो प्राकृतिक खूबसूरती को, वहीं समझ सकता है। औरों के लिए तो सिर्फ पेड़ पौधे और जंगल ही है। देखिए मैं आ रहा था दोस्तों, झाड़ी में बचकर मेरी टोपी लटकने लगी। ये देख सकते हैं मेरी टोपी, आ जा भाई मेरी टोपी इधर। जिस चुहाड़ की मैं बात कर रहा था, फाइनली वी हैव रीच्ड एट दैट लोकेशन। उस लोकेशन पर हम लोग पहुंच चुके हैं। और इस चुहाड़ के बारे में मैं बता दूं आप लोगों को, ये मनुष्य द्वारा बिल्कुल भी बोर नहीं किया गया है। ये प्रकृति के अद्भुत देन है। जो पानी अपने आप यहाँ निकलता है बिना बोर किए हुए, आप लोग देख सकते हैं। ये देखिए ऐसे हमारे इस सोनभद्र की वादियों में बहुत सारे ऐसे चुहाड़ हैं जो बिना बोर किए हुए पानी निकलता है। और ये लगभग ये चुहाड़ 2-3 महीने चलेंगे, उसके बाद बंद हो जाएंगे। लेकिन पिछले देखिए, ये देखिए इतना आप लोग देख सकते हैं, इधर इतना पानी निकल रहा है। लगभग ये पानी कम से कम 5 से 6 इंच पानी निकल रहा है बिना बोर किया हुआ पानी। तो ये प्रकृति का एक अद्भुत ही देन है, और एकदम शुद्ध और साफ पानी। आप अगर इसमें रोज़ नहाएं तो आपके स्किन डिजीज जो होते हैं, चर्म रोग दूर हो जाएंगे, पाचन शक्ति बहुत अच्छी होती है, नींद बहुत अच्छी लगती है। तो